तो मेरा विशाल कुमार, ये क्या सोनेट का ST K+ वेरिएंट जो कि अपडेटेड मॉडल रहने वाला है। कार में आपको सनरूफ भी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो जिन भी बंदों को फीचर्स तो बढ़िया लगते थे इस कार के, पर लेकिन सनरूफ की वजह से उनको टॉप मॉडल की यानी कि अपर मॉडल की साइड जाना पड़ता था, तो अब उनको जरूरत नहीं है। आपको ST K+ वेरिएंट से ही सनरूफ मिलनी स्टार्ट हो गई है। इस कार का ये वाला वेरिएंट पहले से टॉप सेलिंग है। अब तो ये वाला वेरिएंट तो सबको काफी पसंद आने वाला है जिनको टॉप मॉडल वाले फीचर चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से इसमें अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं, फिर तो देखने पूरी गजब लगेगी ये कार। और एक एक करके सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस कार के इंटीरियर और नेक्स्ट ईयर में। मैं खड़ा हूँ ABS किया शोरूम पर रुड़की उत्तराखंड में। इन्हें कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या कि आप कोई सी भी कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको हेलोजन मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स और इंडिकेटर पर रहने वाला है बल्ब, वो पियानो ब्लैक फिनिशर रहने वाली इस कार की ग्रिल, नीचे साइड आपको क्रोम मिल जाता है, ये किया का लोगो, यहाँ पर होगी फोग लैंप जो कि प्रोजेक्टर फोग लैंप्स रहने वाले, हेलोजन रहेंगे, नीचे साइड होगी सिल्वर स्किड प्लेट। फिर ओवरऑल कुछ सही लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, देखने में काफी बढ़िया लगती है फ्रंट से देखने में। और ये इस कार की साइड प्रोफाइल 16 इंच की, आपको उसमें स्टाइलिश स्टील व्हील्स मिल जाएंगे जो कि सिल्वर कलर के रहते हैं, देखने में काफी बढ़िया लगते हैं। 215/60 R16 की प्रोफाइल रहने वाली है। इन सुपर साइड आपको क्लैडिंग मिल जाएगी जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है। ये रहा इस कार का OMV की, आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इंडिकेटर भी इसी पर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहेंगे। ऊपर साइड आपको सनरूफ भी मिल जाती है इस वाले वेरिएंट में, रूफ रेल्स हो गई। और ये रहा डोर हैंडल जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, पूरा डार्क कलर में रहने वाला है। ये करके सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, फिर फीचर की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होने वाली है। अगर आप बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहते हैं तो फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, बैक से देखने में बिल्कुल गजब लगती है। वैसे तो आपको उसमें LED टेल लाइट नहीं मिलती है, पर लेकिन फिर भी देखने में LED टेल लाइट जैसी लगती है। भाई शायद हो गया शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफोगर मिल जाएगा, वॉशर वाइपर जैसे फीचर्स में नहीं है। और ये इसकी टेल लाइट जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, इंडिकेटर और बैक लाइट में भी किया का लोगो हो गया, सोनेट की बेजिंग, नीचे से रिफ्लेक्टर्स, और सिल्वर स्किड प्लेट हो गई। फिर ओवरऑल कुछ सही लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल। अब चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखा दूँ, कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में मिल जाता है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो फीचर की कोई भी कमी नहीं रहने वाली अगर आप अपनी कार में बेसिक फीचर्स चाहते हैं तो। पाशे ट्रे हो गई यहाँ पर, इस कार का स्पेयर व्हील 15 इंच का रहने वाला है, एक प्रोफाइल छोटी रहेगी। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखा इसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्टर फोग लैंप्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर, रियर कैमरा, रियर पाशे ट्रे, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर से मिल जाते हैं। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहेगा वो उस कार के इंटीरियर में रहेगा, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो क्वालिटी फीचर्स दिखा दूंगा। 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है ST K और ST K प्लस वेरिएंट में। और जैसे मैंने देखो कितने फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बस आपको इसमें ST K प्लस वेरिएंट होने के बाद भी इसमें आपको LED हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, LED RS नहीं दी जाएंगी, ना ही LED टेल लाइट, कुछ ऐसे फीचर्स आपको एक्सटेंशन नहीं मिलते हैं ST K प्लस वेरिएंट में। अगर आपको ये वाले फीचर्स चाहिए तो आप इसके अपर वेरिएंट्स को देख सकते हैं। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का CIDI WGT इंजन मिल जाएगा 1500 CC का, जो कि प्रोड्यूस करता है 98 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखा दूं, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। पूरा डार्क कलर में रहेगा इंटीरियर इस कार का, और आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, वही पैटर्न आपको इसके डोर पे दिखाई देगा, पूरा डार्क कलर में। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है डोर ओपनर पर, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड आपको ऑटो और ऑटो डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल इस कार के RPM, यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्पीकर्स हो गए, वाटर प्रूफ स्पेस है, डॉक्यूमेंट हैंडल स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर। फिर बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। और ये इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, वाटर प्रूफ स्पेस, डॉक्यूमेंट हैंडल स्पेस। तो वैसे कुछ तरह रहने वाला इंटीरियर कार का, इसमें आपको बताया दिया पूरा डार्क कलर का रहने वाला इंटीरियर। और एक एक करके सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इस कार के इंटीरियर में। सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं और उससे अपर ही मिल जाएंगे, जैसे टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम होगी इस वाले इवेंट में। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है, पर लेकिन आपको उसमें स्टीयरिंग ऑडिट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्या का लोगो हो गया, सिल्वर फिनिश हो गया यहाँ पर, जिस वजह से स्टीयरिंग व्हील इसका काफी देखने में प्रीमियम लग रहा है। और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको MID मिल जाएगी इसके, और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट के लिए अलर्ट लाइट दिखती रहेगी, वो कितना चली है कार, क्या माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखती रहती है। और यहाँ पर हो गया RPM मीटर फ्यूल और टेम्परेचर के लिए। वो ये रहा ड्राइवर साइड AC वेंट, आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। वो ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, 18 इंच का आपको उसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ रहने वाला है। वो यहाँ पर होगी AC वेंट्स,
सिल्वर फिनिश मिल जाती है साइड में, मैनुअल एसी मिल जाएगी इस कार में। यहाँ पर हो गया सिल्वर फिनिश, चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया यहाँ पर, यूएसबी पोर्ट, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है। कुछ तरह का आपको उसमें नोब मिल जाता है, कप होल्डर्स हो गए, और ये रहा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदर फिनिश में रहेगा ये। और ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, टिकट होल्डर हो गया, सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप और सनरूफ के कंट्रोल्स। कितने साइज की इस कार की सनरूफ रहेगी, काफी अच्छा साइज रहने वाला है सनरूफ का, इसे आप देख सकते हैं। और जब मैं रियर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरह का व्यू आता है। ये इस कार की फ्रंट सीट्स, जिनमें आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, यहाँ पर आपको सेल्फ फिनिश मिल जाती है, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, स्पीकर्स, वाटर बॉटल स्पेस है, अम्ब्रेला होल्डर। और ये रहा इस कार ग्लव बॉक्स, काफी अच्छे साइज का ग्लव बॉक्स रहने वाला है। तो ओवरऑल किस तरह लगता है इस कार का डैशबोर्ड, जैसा आपने देखा सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, कोई भी फीचर की कमी ऐसी नहीं है कि जो आपको महसूस हो जाए। अब चलिए फिर लेके चलते हैं इस कार की रियर सीट पर, वहां पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो वैसे कितना लेग रूम रहेगा इस कार में। लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली, और रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, चार्जिंग सॉकेट हो गया, थोड़ा स्पेस, और रियर सीट पर बैठे उस का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। और फिर सनरूफ का व्यू उस तरह का आएगा, फ्रंट में भी कैबिन लैंप रहते हैं, और यहाँ पर भी आपको कैबिन लैंप मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल हो गए, कितने साइज का हो गया यहाँ पर ग्लास, और रियर भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि आपको बेस मॉडल से ऑफर हो जाते हैं। और फिर ओवरऑल इंटीरियर इस कार का, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। तो ऐसा मैं कुछ तरह इस कार का बुक रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। ऐसे के जो फीचर्स में डिफरेंस था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हेलोजन प्रोजेक्टर, फोग लैंप्स हो गए, रियर डिफोगर हो गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कुछ ऐसे फीचर्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। और इंटीरियर में आपको रियर पासेंजर ट्रे मिल जाएगी, कीलेस एंट्री विद पुश स्टॉप बटन, और इंटीरियर में आपको 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स दिए जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग का फीचर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रियर पासेंजर ट्रे, और सनरूफ भी मिल जाती है। कुछ ऐसे फीचर्स आपको एसटीके प्लस वेरियंट में ऑफर करे जाते हैं, जो की आपको एसटीके वेरियंट में नहीं मिलते हैं। प्राइस में डिफरेंस मैंने आपको दिया था, 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है एसटीके और एसटीके प्लस वेरिएंट में। और जो प्राइस भी है एसटीके प्लस वेरिएंट का वो 11,40,000 रुपीज है। एक शोरूम रखो ऑन रोड प्राइस जाना आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा।